और अपने बूढ़े माता पिता से कृष्ण कह रहे हैं, माताजी पिताजी आपके जीवन में कई इच्छाएं आपकी रही, आपकी पूरी हुई नहीं हुई ठीक है, पर आपकी कोई और इच्छा रह गई हो तो कृपा कर बताइए, मैं चाहता हूं कि मैं उसे पूर्ण करूं। हर बच्चे को अपने माता पिता से ये चर्चा करनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो आप बताओ, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है और बचपन और पचपन मतलब बचपन और बुढ़ापा इसमें जीव की स्थिति एक जैसी होती है। बचपन में भी हलवा अच्छा लगता है और बुढ़ापे में भी हलवा ही अच्छा लगता है महाराज। बड़े मीनू से मैं जो कहना चाहता हूं समझिए, उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनके भी अपने स्वाद हैं। उनकी भी अपनी इच्छा होती है, तो बच्चों को चाहिए कि उनसे बात करते रहे, उनके करीब बैठते रहे, क्योंकि वो सिर्फ इस बात से खुश होते हैं कि आप 5 मिनट 10 मिनट सुबह बैठ जाए उनके पास, 5-10 मिनट शाम को बैठ जाए उनके पास। अभागा वो जीवन होता है जिसे 5-10 मिनट बैठने का मौका नहीं मिलता, वो अभागा जीवन होता है जिसे माता पिता की कृपा नहीं मिलती। और उस कृपा से जीवन वंचित रहता है, पल पल रोता है। आप कुछ भी हो जाइए, माता पिता तो माता पिता ही है, उनका अधिकार है आपके ऊपर, आप उनसे हैं वो आपसे नहीं है। उनका सम्मान कीजिए, चाहे चुपके से कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उनके होते हुए भी जब उनसे मिलन नहीं हो पाता ना, तो बहुत वेदना होती है। और जब कोई जानबूझकर अपने माता पिता को सम्मान नहीं देता, उनसे दूर नए घर बनाता है, नए फ्लैट बनाता है, सोचिए जिन्होंने पूरा जीवन लगा कर आपको निखार के सुसर बना दिया, उन माता पिता का जब समय आया तुमने अपना एक अलग घर बना दिया। कितनी कथा सुन लेना, कितने मंदिर चले जाना, कितने भंडारे करवा लेना, उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते और उनके बिना तुम्हारा कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक उनका आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, सब कुछ होकर भी खाली बैठे रहोगे, खाली रहेगा जीवन। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं हैं, पूछते रहो क्या चाहिए, वो 100 बार मना करेंगे, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए ना क्या चाहिए। जैसे छोटे छोटे अपने बच्चों को खुश करने के लिए तुम कुछ कुछ लाते रहते हो ना, उनके लिए भी लाते रहो, उनके लिए भी करते रहो, क्योंकि एक पिता जब पूरी जिंदगी लगाकर तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करता है, वो कैसे करता है ये तो उसका कलेजा जानता है।
जिस बच्चे की फीस 6 महीने से स्कूल में न भरी हो और उसकी माँ जब अपने पति को कहती है कि स्कूल से चिट्ठी आई है, 3 दिन में अगर 6 महीने की फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। और आप कल्पना कीजिए, 1 महीने की फीस नहीं थी इसलिए 6 महीने की फीस हो गई और वह व्यक्ति 3 दिन में वो 6 महीने की फीस खड़ी कर देता है। सोचो उसने कहां कहां अपनी नाक रख ली होगी। कल्पना करो, कल्पना करो इस बात की, कहां बेच आया होगा वो अपने आप को, किसके पैरों को पकड़कर उसने गुहार लगाई होगी कि मेरे बच्चा स्कूल में। कल्पना करो इस बात की। ये दर्द है मानव मंदिर का, कोई और दर्द नहीं है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही मांगता हूं कि ये कीजिए। रोती हुई माएं अपनी औलादों को, जिन औलादों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनकी चर्चा करनी नहीं चाहती। पता है इसलिए नहीं कि उन्हें नफरत हो गई है, इसलिए कि ठीक है उसको उसकी जिंदगी जीने दो, क्या करें, तो भी आशीर्वाद दे रही है सासा, तो भी आशीर्वाद दे रही है माँ, तो भी आशीर्वाद दे रहा है पिता। और हम अपनी जवानी की आजादी के लिए अपने माता पिता को घरों के बाहर निकाल रहे हैं। इससे बड़ा नरकीय जीवन क्या होगा। एक बात बता दूं मैं बड़ी खुल के, आप लोगों ने पिछले 25 सालों में तेजी से बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था को और हर तकनीक को देखा है, सबने देखा है कितनी तेजी से समय बदल रहा है। आज उनको तो मानव मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें बाहर निकाल लेंगे तो तुम्हें छत भी नसीब नहीं होगी। एक दावा है मेरा, छत भी नसीब नहीं होगी। रात भर करवट में बदलती हुई माँ, सुबह उसको ऑफिस जाना है, वो पिता रात भर गोद में लेके बच्चे को टहल रहा है। रात भर वो माँ करवटें बदल रही है, वो डायपर बदल रही है, खुद गीला बिस्तर, बच्चे को सूखा बिस्तर, खुद वो पिता अपने कपड़ों को नहीं बदल पा रहा है। और बेटा कहता है कि पापा मुझे एक नई जींस चाहिए, नया पैंट चाहिए। वो 2-3 बार कहता है और पिताजी कहते हैं ठीक है चल ले आप। कभी उस बेटे ने गौर किया कि बाबूजी ने अपने कपड़े कितने समय से नहीं बदले? कभी गौर किया? आप अपने लिए नए नए चीजें खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, कभी गौर किया हो उनके कब से नहीं आए कि तुम अपनी ही उतर उन्होंने दे रहे हो कि ये ठीक नहीं आ रही आप पहनने लाओ। वो कहते हैं हाँ लाओ 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 दो पहनने। कोई कितना भी नाटक करे उतरण पहनना किसी को अच्छा नहीं लगता साहब, ये ध्यान रखना। कितना भी नाटक कर करे, अपने जीवन के रहते रहते इस बात पर अमल जरूर करना कि जीवन मिला है तो इस जीवन को जी लो, अपने परिवार के साथ जी लो, अपने कुटुंब के साथ जी लो, क्योंकि बिखरोगे ना तो लोग लूट लूट खाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा।